कमेटी बिठा दी, जो भी तथ्य आएंगे तो फिर उसके उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार का कोई फेलियर नहीं है। सरकार से जितने लोगों की परमिशन मांगी गई सरकार ने दी, अधिकारी प्रशासन ने दी, लेकिन अगर उससे डबल भीड़ आ जाए तो प्रशासन को भी नहीं पता होता कि इतनी भीड़ आ जाएगी। दीदी बाबा को क्यों बचाया जाए, उनका कोई रोल नहीं है बिल्कुल, क्या तरफ से मांग उठ रही है? देखिए ये तो जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ, जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागी वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो, कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो? ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्थाएं हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे अब भाई अब और कुछ विषय पूछ लो कि बाबा ही को लेते रहोगे है? आज राहुल गांधी भी वहाँ है, उन्होंने कहा आप अपनी झांसी के बारे में पूछो जिसकी मैं प्रभारी हूँ, उन्होंने कहा कि प्रशासन जिम्मेदार है। वो लोग तो देखिए सही बात तो ये है कि उनकी सीटें इतनी कम है, सरकार वो बना नहीं पाए, खटाखट रुपया दे रहे थे वो नहीं दे पाए, तो अपनी उस खीज को बचाने के लिए, अपनी उस हताशा को बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही है उन्हें, तो बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में उसके लिए क्या लगता है? उसकी भी समीक्षा चल रही है और उसका समीक्षा हो रही है, और कहीं जो जिसके कारण नहीं आ पाएंगे सीटें उनको हम फिर रिवाइव करेंगे और ज़्यादा सीटों से। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें कमी रही, योजनाएं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतनी योजनाएँ, इतनी गरीबों के लिए योजनाएँ चल रही, एक एक विषय जो चला दिया कि ये संविधान बदल देंगे ये विपक्ष ने, उसी का है, और खुद अपनी नहीं बताते, इमरजेंसी खुद ने लगाई जब कितने लोग जेल चले गए, ये कब हितैषी हैं दलितों के, ये कब हितैषी हैं पिछड़ों के, आज हमारी दोनों सरकारें इनके लिए काम कर रही हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अब तो वो कुछ ना कुछ ला ही रहे हैं। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।